कश्मीर घाटी में शीतलहर के प्रकोप के साथ न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है और जलाशयों में पानी जम गया है। मौसम कार्यालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार रात श्रीनगर से न्यूनतम तापमान 0 से 4.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जिससे डल झील की सतह पर बर्फ की एक पतली परत बन गई है। हाउस बोट में रहने वाले स्थानीय निवासियों को अपने नौकाओं को किनारे पर लाने के लिए बर्फ की परत तोड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। अत्यधिक शीतलहर के कारण कश्मीर के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति करने वाले पाइप के अंदर पानी जम गया है। खबर है कि दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग जिले के पहलगाम में न्यूनतम तापमान 0 से 6.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि पिछली रात यह 0 से 5.7 डिग्री सेल्सियस नीचे था। अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग स्कीइंग रिजॉर्ट में न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे था। कांजीगुड़ में 4.4 डिग्री नीचे, कोकरेनाग शहर में 2.7 डिग्री नीचे और कुपवाड़ा में 4.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कश्मीर में लंबे समय से मौसम स्थिर बना हुआ है और अगले 6 दिनों तक बारिश का कोई अनुमान नहीं है। दिसंबर में बारिश 80% की कमी हुई। कश्मीर के अधिकतर मैदानी इलाकों में बर्फबारी नहीं हुई और मौसम शुष्क रहा। घाटी के ऊपरी इलाकों में दिसंबर के अंत तक सामान्य से कम बर्फबारी दर्ज की गई। अधिकारियों ने बताया कि आसमान साफ रहने के कारण श्रीनगर सहित ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कश्मीर वर्तमान में चिलई कला में की चपेट में है। यहाँ 40 दिनों तक भीषण सर्दी की अवधि है। इस दौरान क्षेत्र में शीतलहर चलती है और तापमान बेहद नीचे चला जाता है, जिससे प्रख्यात डल झील सहित जल निकाय जम जाते हैं। घाटी के कई हिस्से की स्थिति सामान्य नहीं होती है। इस अवधि के दौरान बर्फबारी की संभावना सबसे अधिक होती है और ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी भी होती है। चिलाई कला 31 जनवरी को खत्म होगा।